एक मासूम लड़की की शादी एक नटखट लड़के के साथ हो रही है, चाहे तो वो मिलकर रह सकते हैं या अलग हो सकते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपे एक आर्टिकल में गौतम पिंगले लिखते हैं कि साल 1956 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। नेहरू की ये बात साल 2014 में जाकर सच साबित हुई। दशकों पहले बना एक गठबंधन टूटा और जन्म हुआ भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का। तारीख आज की थी यानी 2 जून। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर राज्य बनाया गया। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में 1956 में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तेलुगु भाषाई लोगों की मांग पूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश बना। तेलंगाना तब आंध्र का ही हिस्सा था और यहाँ की मुख्य भाषा भी तेलुगु ही थी। फिर सवाल उठता है, तेलंगाना को आंध्र करने की मांग क्यों उठी? नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज जानेंगे तेलंगाना के अलग राज्य बनने की कहानी। ये पूरी कहानी चूंकि दो राज्यों से जुड़ी है तो सबसे पहले मैप सेट कीजिए आप, पहले कैसा था और बाद में क्या तब्दीली आई ये देखने के लिए। पहले आंध्र प्रदेश को देखते हैं। आजादी के वक्त आंध्र प्रदेश था नहीं, एक मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिसमें आज का आंध्र प्रदेश, मैंगलोर, कलिकट सहित आज के कर्नाटक, केरल और उड़ीसा के तटीय इलाकों का कुछ हिस्सा आता था। अब तेलंगाना को देखते हैं। हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है। एक समय में यही तेलंगाना हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। आजादी के वक्त हैदराबाद रियासत पर निजाम का राज था जिसके 3 हिस्से थे, मराठवाड़ा यानी आज के महाराष्ट्र का, औरंगाबाद आज के कर्नाटका का कुछ हिस्सा और तेलंगाना। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद के भारत में विलय को राजी नहीं थे, लिहाजा ऑपरेशन पोलो के तहत फौज को भेजा गया और 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। निजाम के खिलाफ पहले विद्रोह की शुरुआत 1945 में तेलंगाना के नालगोंडा से हुई। शुरुआत में आंदोलन जागीरदारों के खिलाफ था लेकिन 1946 के बाद ये निजाम की सेना के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में तब्दील हुआ। विलय के बाद सशस्त्र संघर्ष रुका लेकिन एक नया आंदोलन जड़े जमाने लगा। यह आंदोलन अकेले तेलंगाना का नहीं था, पूरे भारत और विशेषकर दक्षिण भारत में ओडिया, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ और मलयालम भाषी लोग भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की मांग कर रहे थे। इस मसले के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई गई, JVP कमेटी, जिसका नाम इसके 3 सदस्यों के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर बनाया गया था। ये 3 सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। इस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के खिलाफ अपनी सिफारिशें दी। चूंकि नेहरू और पटेल सबसे बड़े नेता थे इसलिए यही कांग्रेस और सरकार की पॉलिसी बन गई। अब देखिए कि आगे क्या होता है। लोग सड़कों पर उतर आए, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब से लेकर असम तक आंदोलनों की बाढ़ आ गई। इनमें सबसे आक्रामक आंदोलन तेलुगु भाषियों का था। तेलुगु भाषी मद्रास में भी थे और हैदराबाद में भी। रामचंद्र गुहा अपने किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, आजादी के बाद तेलुगु भाषी लोगों ने कांग्रेस से भाषाई राज्य बनाने के संबंध में अपना पुराना वादा निभाने की मांग की। जुलूस निकले, भूख हड़तालें हुई, यहां तक कि इस मुद्दे पर 1950 में कांग्रेस के नेता और 1946 से 1947 के बीच मद्रास के मुख्यमंत्री रहे टी प्रकाशम ने पार्टी से इस्तीफा भी दिया। 1951 के आम चुनावों में भी इस नाराजगी का असर दिखा। चुनाव प्रचार के लिए नेहरू जहां जहां गए उन्हें लोगों का विरोध सहना पड़ा। जब मद्रास विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आया कांग्रेस को 145 में से महज 43 सीटों पर जीत मिली। हालात और बिगड़ गए जब 19 अक्टूबर 1952 के रोज पोट्टी श्रीरामुलु ने अपना आमरण अनशन शुरू किया। श्रीरामुलु इससे पहले भी अनशन कर चुके थे 1946 में। तब उनकी मांग थी कि मद्रास के सभी मंदिरों को तथाकथित अछूत जातियों के लिए खोल दिया जाए। तब गांधी जी ने श्री रामलु को अनशन तोड़ने के लिए राजी किया था लेकिन 1951 में गांधी नहीं थे। श्री रामलु का अनशन तोड़वाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही और इस अनशन का असर भी दिखने लगा। 12 दिसंबर को मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री सी राजगोपालाचारी को भेजे खत में नेहरू लिखते हैं, वक्त आ गया है आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार किया जाए। लेकिन इससे पहले कि नेहरू कोई निर्णय ले पाते, अनशन के 58वें दिन श्री रामलु का देहांत हो गया। पूरे मद्रास में कोहराम मच गया, सरकारी ऑफिसेस, रेलगाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हुई, सरकार को पुलिस उतारनी पड़ी और पुलिस एक्शन में कई और लोग मारे गए। सब देखते हुए अंत में नेहरू को आंध्र प्रदेश की मांग के आगे झुकना ही पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग कर आंध्र प्रदेश नाम के एक नए राज्य का गठन हुआ। कुर्नूल इसकी राजधानी बनी। नेहरू इस कदम से खास खुश नहीं थे। आंध्र के गठन के कुछ रोज बाद अपने सहयोगी को लिखे एक पत्र में वो कहते हैं, हमने बर्रे का छत्ता छेड़ दिया है और मुझे लगता है कि जल्दी हम सब इसका दंश झेलेंगे।
नेहरू की बात सही साबित हुई। आंध्र प्रदेश का गठन होते ही दूसरी भाषाओं के लोग अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। इस समस्या को सुलझाने के लिए 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। आयोग के सदस्यों ने 104 शहरों का दौरा किया, 9000 लोगों का साक्षात्कार लिया और 1.5 लाख लिखित आवेदन स्वीकार किए। अब देखिए सहारी बहस के बीच तेलंगाना की एंट्री कैसे होती है। तेलंगाना तेलुगु भाषी राज्य ही था, लेकिन तेलंगाना की जनता की मांग आंध्र प्रदेश के लोगों से अलग थी। कैसे? एक घटना से आप समझिए। साल 1952 की बात है। हैदराबाद में मिलिट्री रूल लागू था और मिलिट्री गवर्नर थे जनरल जेएन चौधरी, जिन्होंने आगे जाकर 1965 के युद्ध में भारत की फौज का नेतृत्व भी किया। चौधरी ने कमान संभालते ही सरकार में बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू की। दिक्कत तब शुरू हुई जब इन भर्तियों में मद्रास के कोस्टल इलाके के लोगों को भरा जाने लगा। मद्रास का कोस्टल इलाका 2 सदियों तक अंग्रेजों के कंट्रोल में रहा था। या उन्होंने रेल चलाई, स्कूल्स बनाए, कुल मिलाकर यहाँ का विकास तेलंगाना से बेहतर हुआ था। इंग्लिश एडुकेशन वहाँ था। तेलंगाना में निजाम के शासन में उतनी तरक्की नहीं हो पाई थी, लोग अंग्रेजी में भी उस कदर दक्ष नहीं थे, लिहाजा नौकरियों में पिछड़ने लगे। ये दिक्कत निजाम के वक्त में भी हुआ करती थी, लेकिन निजाम ने इसके लिए कुछ नियम बनाए थे जिन्हें मुल्की रूल्स कहा जाता था। मुल्की रूल्स के तहत नौकरियों में स्थानीय लोगों को वरीयता मिलती थी। 1952 में निकली भर्तियों में मुल्की रूल्स का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते लोग भड़क गए। 2 सितंबर के रोज तेलंगाना में छात्रों ने एक विशाल जुलूस निकाला जो देखते देखते उग्र हो गया और पुलिस की गोलीबारी में 4 छात्रों की जान चली गई। जैसा पहले बताया, ठीक इसी समय आंध्र प्रदेश की मांग का आंदोलन चल रहा था। आंध्र के लोग तेलंगाना को अपने राज्य में शामिल करना चाहते थे, लेकिन 1952 में हुई घटना के बाद तेलंगाना के लोग आंध्र के विरोध में खड़े हुए। तेलंगाना के नेताओं ने राज्य पुनर्गठन आयोग से तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। 1956 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें हैदराबाद को 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई थी, जो कुछ ऐसी थी। हैदराबाद के जो मराठी भाषी इलाके हैं वो महाराष्ट्र में मिलाए जाएं, जो तब बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। कन्नड़ भाषी हिस्से को मैसूर से मिला दिया जाए और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से न जोड़ा जाए। आयोग ने तेलंगाना को आंध्र से अलग रखने को क्यों कहा? आयोग ने इसके 3 कारण भी दिए। पहला, तेलंगाना की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, लेकिन यहाँ का रेवेन्यू ज्यादा था, जो शराब पर अधिक टैक्स के कारण मिलता था। इस रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कोस्टल आंध्र, या जिसे सीमांध्र भी कहते थे, उसके पास चला जाता। दूसरा कारण, आयोग को डर था कि कृष्णा और गोदावरी का अधिकतर पानी आंध्र के पास चला जाएगा, जहां बेहतर नहरें और सिंचाई के सिस्टम थे। तीसरा कारण था, आंध्र में बेहतर स्कूल थे, लोगों की अंग्रेजी बेहतर थी, जिससे सरकारी नौकरी में उनका ज्यादा प्रभुत्व होता। आयोग ने तेलंगाना को लेकर अपनी सिफारिश में लिखा, तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। अगर तेलंगाना आंध्र में विलय चाहे तो 1961 में चुनाव के बाद विधानसभा इस विषय में एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, उन पर छोड़ दो आप। दिसंबर 1955 में इस मुद्दे पर हैदराबाद असेंबली में एक प्रस्ताव पेश हुआ। 174 में से 103 विधायकों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विलय का समर्थन किया। सदन में 94 विधायक तेलंगाना से आते थे, इनमें से 59 ने प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी मेजॉरिटी जो इन विधायकों की थी तेलंगाना की, वो भी मिलने को ही राजी थे। तेलंगाना के सभी नेता इस प्रस्ताव के समर्थन में वैसे नहीं थे, इसलिए 20 फरवरी 1956 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच एक समझौता हुआ, जिसे जेंटलमैन अग्रीमेंट का नाम दिया गया। मोटा मोटी इस समझौते में लिखा था कि आंध्र प्रदेश में विलय के बाद भी तेलंगाना के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। अंत में 1 नवंबर 1956 को संयुक्त आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें तेलंगाना भी शामिल हुआ। नेहरू इस विलय को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे। तब उन्होंने शादी और तलाक वाली वो बात कही थी जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया। नेहरू ने साथ में चिंता भी जाहिर की थी कि इस विलय में साम्राज्यवाद का कुछ पुट दिखाई देता है। आगे के घटनाक्रम ने नेहरू की चिंता को सही भी साबित किया। 1969 में तेलंगाना आंदोलन ने एक बार फिर आग पकड़ी। लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे। उन्होंने आरोप लगाया कि जेंटलमैन अग्रीमेंट का पालन नहीं हो रहा। वो नौकरियों में भेदभाव की शिकायत कर रहे थे। एक आरोप ये भी था कि तेलुगु फिल्मों में तेलंगाना के लोगों को विलन की तरह दिखाया जाता है। 1969 में शुरू हुए इस आंदोलन को लीड कर रही थी तेलंगाना प्रजा समिति नाम की एक पार्टी। 1971 में हुए चुनावों में इस पार्टी ने तेलंगाना की 14 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन चुनाव के ऐन बाद पार्टी का इंदिरा कांग्रेस आर में विलय हो गया। तेलंगाना की समस्या सुलझाने के लिए इंदिरा ने एक 6 सूत्रीय कार्यक्रम रखा, जिसके बाद आंदोलन ढीला हुआ। सितंबर 1973 में कांग्रेस ने संविधान संशोधन करते हुए आंध्र प्रदेश को 6 जोन्स में बांटा, जिसमें हर जोन में स्थानीय आरक्षण का प्रावधान आया। इसके बाद तेलंगाना आंदोलन हल्का पड़ता गया। इसी दौर में एक चीज ये भी हुई कि तेलंगाना से आने वाले कई नेता
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मसलन पीवी नरसिम्हा राव, एमसी रेड्डी और टी अंजैया। अंजैया 1980 से 1982 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन्हीं अंजैया से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं जिसने तेलंगाना आंदोलन पर दूरगामी असर डाला। हुआ यूं कि फरवरी 1982 में राजीव गांधी आंध्र प्रदेश पहुंचे। हैदराबाद हवाई अड्डे पर उन्हें लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री अंजैया आए। साथ में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं का तगड़ा इंतजाम भी था, लेकिन यह देखकर राजीव नाराज हुए और उन्होंने सबके सामने अंजैया को डपटते हुए कहा कि अगर 15 मिनट में तमाशा बंद नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाऊंगा। इस घटना ने इतना तूल पकड़ा कि अगले साल हुए चुनाव में एनटी रामाराव ने इस घटना को तेलुगु अस्मिता से जोड़ दिया और 6 महीने पुरानी तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को उसकी पहली हार का स्वाद चखा दिया। रामाराव कोस्टल आंध्र के रीजन से आते थे, लेकिन उनकी पार्टी को तेलंगाना में भी जबरदस्त समर्थन मिला। तेलंगाना आंदोलन का अगला बड़ा चरण शुरू होता है साल 2001 में। इस साल उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 नए राज्य बने। इसी साल तेलंगाना में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, तेलंगाना राष्ट्र समिति या टीआरएस, जिसके सर्वे सर्वा थे चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, केसीआर राव। इससे पहले कांग्रेस और टीडीपी में मेंबर रह चुके थे। 2001 में उन्होंने विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर पद से इस्तीफा दिया और अलग तेलंगाना के मुद्दे पर एक नई पार्टी बनाई। साल 2004 के चुनाव में टीआरएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 4 लोकसभा और 26 विधानसभा सीटें भी जीती। राव ने खुद अपना चुनाव करीमनगर से लड़ा। इस सीट की खास बात यह थी कि 1969 में तेलंगाना आंदोलन की आग यहीं से जिंदा हुई थी। 2006 और 2008 में इस सीट में बाई इलेक्शन हुए, इसमें भी राव ने जीत हासिल की। साल 2009 में उन्होंने तय किया कि करीमनगर से एक नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की, लेकिन अनशन स्थल तक जाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और भड़का दिया। राव के समर्थक सड़कों पर उतर आए और उधर राव अभी भी अनशन पर थे। अंत में सरकार को उनकी मांग के आगे झुकना ही पड़ा। 9 दिसंबर 2009 को केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि एक नए तेलंगाना राज्य का बिल सदन में पेश किया जाएगा। हालांकि सरकार कुछ ही दिनों में अपने फैसले से पलट गई। इसके बाद आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया। 17 छात्रों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आगे आमरण अनशन शुरू कर दिया। फरवरी 2010 में जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में सरकार ने एक और कमेटी का गठन किया ताकि वो तेलंगाना के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट दें। श्रीकृष्णा कमेटी ने 23 जिलों का दौरा कर अपनी फाइल रिपोर्ट पेश की। दिसंबर 2013 में केंद्रीय सरकार ने सदन में एक बिल पेश किया, मनमोहन सिंह 2.0 चल रही थी, यूपीए 2.0 भी कह सकते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को मिलाकर तेलंगाना राज्य बनाने की बात कही गई। फरवरी 2014 में दोनों सदनों ने इस बिल को पास कर दिया। अप्रैल 2014 में तेलंगाना में चुनाव हुए और के चंद्रशेखर राव राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनने की आधिकारिक घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद तय हुआ कि अगले 10 साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी होगी। ये सीमा साल 2024 में खत्म हो जाएगी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी बनानी होगी। 2014 के बाद पहले अमरावती को आंध्र की कैपिटल बनाने की बात चल रही थी, फिर 3 अलग अलग कैपिटल्स की बात हुई, फिर ये मसौदा भी वापस ले लिया गया। ये मुद्दा अपने आप में काफी पेचीदा है, इसलिए इसकी बात कभी और करेंगे। फिलहाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कई और मुद्दे हैं जिनका निपटारा होना है, जैसे संपत्तियों का बंटवारा, कृष्णा और गोदावरी के पानी का बंटवारा। मुद्दों का हल निकाला जाना भी बाकी है, लेकिन वस्तुतः हकीकत यही है कि तेलंगाना देश का 29वां राज्य है और यूपीएससी के छात्रों को याद करने के लिए एक और सवाल। तेलंगाना राज्य के मौके पर तेलंगाना की जनता को बधाई देते हुए आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे कमल ने लिखा है और रिकॉर्ड किया है जतिन ने।